हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं इस वीडियो में आपको डिस्कशन करने वाला हूं कि सेंड अ नोट्स क्या होता है। अगर आप गूगल पे का यूजर हैं, अगर किसी को रेफ़र करते हैं अपना लिंक गूगल पे का और उसमें आप लॉगिन करते हैं किसी और का आईडी, तो उसमें आपको कुछ रेफ़र का कुछ पैसा मिलता है, ठीक है। तो जो पैसा जितना रहता है उतना आपको रेफ़र का पैसा मिलता है। तो आपको कभी कभी आप देखे होंगे सेंड अ नोट्स लिखता है, तो क्यों लिखता है, आपको पैसा उसका क्यों नहीं मिलता है, तो मैं इसी के बारे में इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। तो दोस्तों, अगर मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो अगर आपको अच्छा लगती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों देखिए, गूगल पे एक ऐसा जैसे ऐप है जो आपको रेफर का पैसा देती है, यानी कि अगर आपके पास गूगल पे इंस्टॉल्ड है, ठीक, अगर किसी और को अगर गूगल पे इंस्टॉल करवाते हैं उसमें उसका जो डेबिट कार्ड या किसी भी तरह का यूपीआई पेमेंट अगर करते हैं उसमें उसका जो सब चीज़ जोड़ देते हैं, डेबिट कार्ड सब जोड़ के और उससे यूपीआई ऐड करते हैं पैसा कहीं भी, तो आपको उसी का कुछ जो फर्स्ट पेमेंट होता है उसका आपको रेफर का पैसा मिलता है, ठीक है। तो इसी तरह से जैसे आप गूगल पे अकाउंट चलाते हैं उससे रेफ़र कीजिए किसी को, और किसी में उस आईडी को यानी उस गूगल पे को उस लिंक से डाउनलोड कीजिए, और डाउनलोड करने के बाद आपको क्या करना है, तो उस पर जो जो मांग रहा है प्रूफ वो सब देते जाइए। वहाँ पे जब लॉगिन हो जाएगा तो फर्स्ट यूपीआई ट्रांजेक्शन कीजिएगा तो आपको मिलेगा रेफर का पैसा, ठीक। तो और जो रेफर का पैसा है आपको क्यों नहीं मिलता है, सेंड और नोट्स क्यों लिखता है, तो इसकी जानकारी मैं इस वीडियो में दूंगा। तो दोस्तों, जो सेंड और नोट्स लिखने का सबसे मेन कारण है क्योंकि जो यूपीआई पेमेंट होता है उसमें आपको सबसे पहले आपको 1 रुपया 2 रुपया का पेमेंट नहीं करना होगा, आपको करना होगा 150 या उससे ज़्यादा का पेमेंट। अगर उससे ज़्यादा का पेमेंट करते हैं तो आपको बहुत कम ही चांस है कि कभी सेंड और नोट्स का ऑप्शन मिले। ऐसा आपको कोई दूसरा यानी जो यूट्यूबर है वैसा बहुत कम ही चांस लगता है जो कोई बताया होगा। मैं इसमें यानी ये मैं कोई घमंड नहीं कर रहा हूँ, कोई मैं सिर्फ यही बता रहा हूँ क्योंकि मैं भी मुझको जो आईडी है उस पर भी सेंड और नोट्स का ऑप्शन आया था, क्योंकि मुझसे भी कुछ लोग जो यूट्यूब में जो मैं वीडियो बनाता हूँ उससे भी कुछ लोग जो गूगल पे का यूज नहीं करते हैं वो मेरे वीडियो देखकर वो भी मेरे लिंक से यूज किए थे, लेकिन उनका मुझे रेफर का पैसा नहीं मिला है। तो वो क्यों नहीं मिला है, तो उसके नीचे आप देख रहे होंगे बगल में स्क्रीनशॉट लगा दिया हूँ, उसमें आप देखिए वहाँ पे लिखा हुआ सेंड अ नोट्स, क्यों, तो वहाँ पे वही है। हो सकता है वो किए होंगे 1 या 2 रुपया किसी को भेजे होंगे या नहीं भेजे होंगे कोई, आप वही जाने आप क्या किए होंगे। तो यही सब कारण है जो पैसा नहीं मिलता है। तो दोस्तों, किसी को अगर रेफ़र करते हैं तो सबसे पहले आप उनको 150 रुपया बोलिए रेफ़र करने के लिए, ठीक। 150 रुपया रेफ़र करने के लिए अगर उनके पास में बैलेंस नहीं है तो आप अपने अकाउंट से आप उनको 150 रुपया या उससे ज़्यादा 200 रुपया भी भेज सकते हैं, और फिर वो पैसा को आप अपने अकाउंट में वापस ले लीजिए, आपके पास पैसा आ जाएगा और रेफ़र का जो पैसा मिलता है आपको रेफ़र का पैसा मिल जाएगा। तो इसी तरह से आप यहाँ पर सेंड और नोट्स का प्रॉब्लम हटा सकते हैं। तो दोस्तों, मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला था यानी बता दिया हूँ कि सेंड और नोट्स जो प्रॉब्लम है उसको कैसे सॉल्व करें। मैं भी यूट्यूब पे सर्च किया था कि सेंड और नोट्स जो प्रॉब्लम होता है वो क्या होता है, कैसे हटाएं, तो उसमें भी हमको कुछ वीडियो मिला था जिसमें बताया गया था कि सेंड और नोट्स जो प्रॉब्लम है वो हो सकता है जैसे आपको जो लिंक से जो कोई भी यूजर वहाँ पे यूज करता है गूगल पे, और उस लिंक से अगर कोई डाउनलोड करके यूज कर रहा है और उसका आपको पैसा नहीं मिलेगा, वहाँ सेंड और नोट्स लिख देगा तो इसका आपको पैसा नहीं मिलेगा। पूरा सीधा सीधी बात यही था कि आपको पैसा नहीं मिलेगा। मैं भी यही बोलूँगा कि पैसा आपको नहीं मिलेगा, लेकिन आप पहले से ही सावधानी बरतिए, यानी कि पहले से ही अगर ऐसा कीजिएगा तो आपको पैसा ज़रूर मिलेगा, ठीक। तो पहले से क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आप किसी को जो लिंक है लिंक से शेयर कीजिए, डाउनलोड करवाइए। डाउनलोड करवाने के बाद जो डॉक्यूमेंट मांगता है जैसे कि डेबिट कार्ड, उसके बाद जो उसका पूरा वेरिफिकेशन होने के बाद जो फर्स्ट पेमेंट कीजिएगा यूपीआई पेमेंट, वो 150 से ज़्यादा होनी चाहिए। अगर 150 से ज़्यादा पेमेंट होता है तो जो जिसके लिंक से आप रेफ़र करते हैं उसको तो रेफ़र का पैसा मिलेगा ही, लेकिन आपको भी कुछ कैशबैक मिलेगा, जैसे कि उससे 25 रुपया आपको मिलता है। जैसे कि लिंक से आप डाउनलोड करते हैं तो आपको 25 रुपया मिलता है कैशबैक के रूप में, ठीक। अगर आप डायरेक्टली प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिएगा तो आपको कैशबैक नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, अगर आप भी नए यूजर हैं गूगल पे का तो प्लीज़ मैं डिस्क्रिप्शन में आपका लिंक मैं अपना लिंक डाल देता हूँ गूगल पे का, आप वहाँ से जाइए और गूगल पे डाउनलोड कीजिए और उसका यूज कीजिए और बहुत सारे कैशबैक यहाँ से पाइए। दोस्तों, बस आज के वीडियो में यही बता रहा था, वीडियो पूरा हो गया है। दोस्तों, वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि अगला नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर मुझसे जुड़ सकते हैं, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले किसी और वीडियो में, टेक्निकल वीडियो में। तो आज के लिए बस इतना।